रेलवे ने पैसेंजर्स नहीं मिलने के कारण 4 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का विस्तार कर दिया है। इससे पहले भी भोपाल से चलने वाली 2 वंदे भारत एक्सप्रेस का एक्सटेंशन हो चुका है। इसमें इंदौर भोपाल एक्सप्रेस का विस्तार नागपुर तक किया गया था, जबकि भोपाल जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का विस्तार रीवा तक किया गया। जय हिंद दोस्तों, टोटल ट्रेन इन्फो के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए ज़्यादा टाइम खराब न करते हुए करते हैं वीडियो डिटेल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14 मार्च से जिन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का विस्तार हुआ उनके बारे में। इनमें से पहली ट्रेन है अहमदाबाद से जामनगर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका विस्तार ओखा यानी द्वारका तक हो गया है। दूसरी ट्रेन की बात करें तो दूसरी ट्रेन है त्रिवेंद्रम सेंटर से कासरगोड के बीच चलने वाली वंदे भारत, जिसका एक्सटेंशन मंगलुरु सेंटर तक कर दिया गया है। तीसरी ट्रेन जो गोरखपुर से लखनऊ के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका विस्तार प्रयागराज तक हो गया है। और आखिरी ट्रेन की बात करें तो अजमेर दिल्ली कैंट के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका एक्सटेंशन चंडीगढ़ तक हो गया है। चलिए अब बात करते हैं चारों वंदे भारत एक्सप्रेस के एक्सटेंशन के और नए शेड्यूल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ओखा अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। यह ट्रेन नंबर 22926 अब ओखा से सुबह 3:40 पर रवाना होगी और 10:10 पर अहमदाबाद पहुंचेगी। अब इस ट्रेन को पैसेंजर मिलेंगे या नहीं, ये भी अभी भी डाउट है, क्योंकि 3:40 बहुत अर्ली मॉर्निंग होती है। जबकि वापसी में ट्रेन बात करें तो वापसी में ट्रेन नंबर 22925 अहमदाबाद से रवाना होगी शाम 6:10 पर और ओखा पहुंचेगी रात को 12:40 पर। अब बात करते हैं दूसरी ट्रेन के बारे में जो चल रही है अजमेर से चंडीगढ़ के बीच। इसमें ट्रेन नंबर 20977 अजमेर से सुबह 6:20 पर रवाना होगी और दिल्ली कैंट पहुंचेगी 11:30 पर। यहाँ पर 10 मिनट रुकने के बाद चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाएगी। अम्बाला पहुंचेगी दोपहर 2:03 पर और चंडीगढ़ इसका अराइवल होगा 2:45 पर। वापसी में ट्रेन नंबर 20978 चंडीगढ़ से रवाना होगी दोपहर 3:15 और अजमेर पहुंचेगी रात्रि 11:55 पर। यदि बात करें गोरखपुर प्रयागराज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की तो ट्रेन नंबर 22549 गोरखपुर से 6:05 पर रवाना होगी और लखनऊ पहुंचेगी 10:20 पर। यहाँ पर 15 मिनट का रुकने के बाद प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएगी और प्रयागराज पहुंचेगी दोपहर 1:35 पर। वापसी में ट्रेन नंबर 22550 प्रयागराज से दोपहर 3:15 रवाना होगी और लखनऊ उसका अराइवल होगा शाम 6:15 पर, जबकि गोरखपुर अपनी यात्रा समाप्त करेगी रात 10:40 पर। अब बात करते हैं आखिरी ट्रेन के बारे में जिसका एक्सटेंशन भी एक साथ हुआ है। यह ट्रेन मंगलुरु सेंट्रल त्रिवेंद्रमपुर सेंटर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। ट्रेन नंबर 20631 मंगलुरु सेंटर से सुबह 6:25 पर रवाना होगी और त्रिवेंद्रम पहुंचेगी दोपहर 3:05 पर। वापसी में ट्रेन नंबर 20632 त्रिवेंद्रम से रवाना होगी शाम 4:05 पर और मंगलुरु अपनी यात्रा समाप्त करेगी रात को 12:40 पर। चारों ही ट्रेन के शेड्यूल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से पूरा शेड्यूल चेक कर सकते हैं। आप इनमें से किस ट्रेन में यात्रा करते हैं या कौन सी ट्रेन आपके रूट पर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।